से आपने पूरे महीने का पाठ सुना। गुरु कृपा द्वारा ये जो पाठ उनकी रहमत द्वारा हुआ, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा शख्स खाली नहीं जिसको कथा का आनंद ना आया, क्योंकि ये कथा उसकी थी, सतगुरु महाराज जी की। हमने ये फैसला किया था कि आखिरी दो दिन कीर्तन ही करेंगे, लेकिन हमारे जो ब्राह्मण है, जो कर्मकांडी, क्योंकि कोई भी त्रुटि रह जाए हमारी ये पूरी करते हैं। सच्ची जो बात, हम तो अनजान लोग। इन्होंने कहा चाहे कथा एक स्टेप भी करो, मैंने तो आसन भी नहीं आज कहा था, राणा कहते नहीं, ये तब तक जब संपूर्ण नहीं होता कथा भी होगी आसन भी होगा, चाहे एक नहीं, कहते उसको अधूरा नहीं छोड़ना, अपमान होता है आसन का भी और कथा का। जैसे नारद पुराण भी शुरू किया, ये जितना भी बच गया बाकी कंप्लीट करना है, चाहे यही बैठ के करें या घर में बैठ के करें, बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि इस ऐसे शास्त्रों का अपमान होता है। हम इतने बड़े गुणी ज्ञानी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी चीजों से परहेज करो जिससे शास्त्र का अपमान ना हो, सदगुरु का अपमान ना हो, किसी देवी देवते तक का ना हो, और जो सात्विक बुद्धि लेकर इधर ईश्वर के चरणों में अपनी ऊर्जा को मिक्स करने आए हैं उस परम पिता परमात्मा की, उनमें से किसी का परमात्मा, ये ध्यान रखना गुरु के दरबार में बहुत जरूरी है। एक और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, एक क्योंकि हम तो अनजान लोग हैं, हम तो बस समझ लो कि आप लोगों की सहायता से कहते जी कोई पाठ करे तो कर देते, हम नहीं कुछ जानते, फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो, किसी को लगा हो कि हमारे हृदय पे इसने चोट लगाई है, तो मैं हाथ जोड़ के सबसे
क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मेरा इसमें बस ही नहीं जो निकल रहा है गुरु महाराज की रहमत से, उनकी कृपा से, क्योंकि हमारा ये काम नहीं। मैं सबसे हाथ जोड़ के, सभी मेरे मित्र हैं, सभी दोस्त हैं, सभी बहनें हैं, भाई हैं, बच्चियां हैं, सबसे क्षमा मांगूंगा। आइए एक सेट करते हैं, उसके बाद मेरे का चाह का भी इन्होंने रेंज किया हुआ है, तो टाइम तो हो गया है वैसे, फिर भी 5-7 मिनट 10 मिनट, क्योंकि हम जो ब्राह्मण गुरुदेव की कृपा से रखा हुआ है, ऐसे नहीं बैठा हुआ, वो हमारी त्रुटियां निकाल के हमारे कान में, हमारी कमेटी के कान में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो हमें करना भी चाहिए, क्योंकि जब भगवान ने एक इशारा दिया है शुद्धता बरतने के लिए, तो हमें उनकी बात मान के उस चीज को शुद्ध करना चाहिए, वो शंकर भगवान की। तो आइए कथा थोड़ी सी करें। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। बहुत ही उत्तम बात है, सुबह बात हुई थी कि भागीरथी को तारा भगवान विष्णु ने साक्षात दर्शन देके और भगवान शंकर की स्तुति करने के लिए बोला, तो शंकर जी ने अपनी जटा में से भागीरथी के साथ ही गंगा को भेज दिया, ताकि इसके पितरों का भी मोक्ष हो और जनता का भी कल्याण हो, जन कल्याण। भागीरथी का हमारे लिए इतना तप है। बोल शंकर भगवान की। आगे चलते, ये वृतांत सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से निवेदन किया कि महर्षि नारद, नारद जी और सनक जी में हुए संवाद को आगे बढ़ाते हुए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाले सत्कर्मों का भी आख्यान प्रस्तुत करने का अनुग्रह करें, कि ईश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, भगवान विष्णु को खुश कैसे करना है, उस प्रसंग की व्याख्या करें। तब सूत जी ने बताया कि आगे सनक मुनि ने नारद जी को जिज्ञासाओं को संतुष्ट करते हुए उनसे सत कर्मों का उल्लेख किस प्रकार किया। बोल शंकर भगवान की। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का परम पुरुषार्थ श्री विष्णु जी को प्रसन्न करना है। जितने भी संसार के जीव हैं, उसका और कोई प्रयोजन नहीं, अपने भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। अब यहां पर कोई शंका ना रह जाए कि जिसका इष्ट भगवान शंकर है, जिसका इष्ट विष्णु जी है, राम जी है, कृष्ण जी है, इन शंकाओं को मिटाने के लिए कि आप विष्णु को शंकर के रूप में ही देखो, राम को भी उसी रूप में देखो, कृष्ण को भी उसी रूप में। आप सब जानते हो कि ये शिव मंदिर है, लेकिन हमारे सतगुरु महाराज ने कृष्ण और राधा माता जी की साक्षात मूर्तियां लगाकर, ये कारण क्या था, पता है इसका क्या कारण है? एक दिन मैंने बताया था क्या कारण हो सकता है, पता किसी को नहीं। कृष्ण और राधा वृंदावन को रिप्रेजेंट करते, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सतगुरु महाराज ने, और ये दोनों भोग उपभोग की सामग्री के दाता है, दुनिया को हर इच्छाओं को पूर्ण करने वाले दाता है। भगवान ने वृंदावन पूरा ला के हमारे सतगुरु ने इस शिव मंदिर में स्थापित कर दिया, ताकि लोगों को खुशियां पता, बस इतना प्रयोजन। तो उनसे अगर पूछा जाए कि आपके इष्ट तो शिव है, कहते मैं शिव के सिवा देखता ही कुछ नहीं, ये सारा शिव, सब शंकर जी है, शिव जी, उनके सिवा मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। तो आंख तो एक ही होनी चाहिए, जो इष्ट है विष्णु को भी उसी में। बोल शंकर भगवान की। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का परम पुरुषार्थ श्री विष्णु को ही प्रसन्न करना है, क्योंकि जैसे किसी वृक्ष के पलवन के लिए मूल का सिंचन करने से, पलवन का मतलब फैलाव, जैसे कोई वृक्ष है जो आप लोग कर रहे हैं, नई नई पत्तियां उग रही है ना,
इस हमारे परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरि जी के वृक्ष की नई नई शाखाएं उभर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे पांच पांच दस दस ढोलक वाले आ गए, गाने वाले पांच पांच दस दस आ गए, हाँ ऊपर कथा करने वाले आ गए पांच पांच चीजें, रोज ऊपर बैठ के कथा का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमें बाद में पता चला, ये सतगुरु की लीला ही ऐसी है, पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं वो, उनकी लीला पे डिपेंड रहो बस और कुछ नहीं जो वो करते हैं। तो कहते हैं किसी वृक्ष के पलवन के लिए मूल का सिंचन करने से उसका शब्द भी सिंचन और विकास होता है। जैसे विकास ये शब्द का विकास कर रहे हो, श्री विष्णु को प्रसन्न करने से सभी पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। और शंकर भगवान की, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से सभी हो जाते हैं। आइए भगवान विष्णु को याद करें, कृष्ण को याद करें, राधा को याद करें, फिर करते हैं।